हेलो फ्रेंड्स, मैं अभा खत्री। फ्रेंड्स, आज मैं व्रत में खाई जाने वाली सिंगदाने की कड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे व्रत में खिचड़ी, मोरधन, पराठे और पूरी के साथ खाया जा सकता है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्रत में खाई जाने वाली सिंगदाने की कड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए सिंगदाना, जो मैंने सेक के और उसके छिलके निकाल के और फिर उसे क्रश कर लिया है मिक्सर जार में। 2 टेबलस्पून लिया है मैंने सिंगदाने का पाउडर। फिर मैंने दही लिया है 1 बड़ा बाउल। घी लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, शुद्ध देसी घी लिया है मैंने। कोरिएंडर लीव्स है, ग्रीन चिली का पेस्ट है, करी लीव्स है 4 से 5, जीरा है, उपवास का नमक है और शक्कर है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। और पानी है। सबसे पहले एक बाउल में दही लेंगे। दही को मैंने फेंट लिया है अच्छे से। अब उसमें सींग दाने का पाउडर डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें सॉल्ट डाल देंगे, शुगर डाल देंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से। अभी ये पेस्ट गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे जरूरत के हिसाब से। आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से पतला या गाढ़ा कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये कड़ी के लिए बनाया गया घोल रेडी है, अब हम कड़ी बना लेते हैं। कड़ी बनाने के लिए मैंने गैस पे पैन गरम करने रख दिया था, और उसमें घी डालूंगी। 1/2 टेबल स्पून घी लिया है मैंने। अब इसमें जीरा डाल देंगे, जीरा अच्छी तरह से भून जाए, फिर इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट डाल देंगे। अब इसके साथ रेड चिली भी डाल सकते हैं। अब इसमें करी लीव्स डाल देंगे। और इसमें हम जो दही का और सिंगदाने का हमने जो मिश्रण तैयार किया था वो डाल देंगे, और इसे हिला लेंगे अच्छे से। इसे एकदम धीमी आंच पे मिक्स करना है। अब इसे इसी तरह से 5 मिनट तक कम से कम पका लेना है हमें। देखिए, अब हमारी कड़ी में उबाल आना चालू हो चुका है। इसे 4-5 उबाल आए तब तक और पका लेना है, तब तक ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। देखिए, 5 मिनट उबलने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है फ्रेंड्स। हमें इसी तरह की कड़ी चाहिए, आप इसे पतला रखना चाहे तो रख सकते हैं फ्रेंड्स। अब लास्ट में इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी। हमारी उपवास में खाई जाने वाली सींग की कड़ी रेडी है, अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हमारी उपवास में खाई जाने वाली गर्मा गर्म सींग की कड़ी। मैंने इसे केला वेफर के साथ सर्व किया है। आप इसे उपवास में खाई जाने वाली पूड़ी, खिचड़ी और पराठे के साथ भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।